आगरा में प्रशासनिक सख्ती के बाद भी अवैध पार्किंग माफिया बेखौफ होकर पार्किंग ठेकेदार लगातार भोली भाली जनता से अवैध शुल्क वसूल कर रहे हैं। आगरा की सभी पार्किंग की बात की जाए तो लाखों रुपए रोज की कमाई प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर अवैध पार्किंग ठेकेदार कर रहे हैं। वहीं शाह मार्केट स्थित पार्किंग पर भी गुंडाई दिखाते हुए फर्जी तरीके से पार्किंग चलाई जा रही है। प्राइवेट पार्किंग के नाम पर आगरा शहर के अधिकांश इलाकों में पार्किंग माफिया बेखौफ है और प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर वाहन स्वामियों से पैसे वसूल रहे हैं। इनकी आंखों में प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं। जब शाह मार्केट स्थित पार्किंग पर वाहन स्वामियों से अवैध वसूली कर रहे पार्किंग ठेकेदार से बात की कि आखिर आप किस कानून के तहत लोगों से पार्किंग के नाम पर पैसे ले रहे हैं, तो देखिए उसने किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। मेरा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं कुछ होगा? हैं? क्यों नहीं कुछ होगा? ये आप पार्किंग चला रहे हो, ये अभी नगर निगम ने पार्किंग रद्द कर दी है। नगर निगम से प्रशासन के ऐसे प्राइवेट है, प्राइवेट। अच्छा, तो आप जो है प्राइवेट है तो आप रोड पर पार्किंग लगाओगे? हाँ, रोड पर लगाते हैं। या बोल लो रोड पर। हाँ, या बोल लो। ठीक है। कोर्ट के आदेश के बाद आगरा के कई पार्किंग के ठेके निरस्त कर दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी अवैध पार्किंग ठेकेदार लगातार प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर पार्किंग संचालित कर रहे हैं। पार्किंग पर आने वाले वाहन स्वामियों को फर्जी रसीद थमा दी जाती है और उस रसीद के एवज में उनसे पार्किंग शुल्क वसूला जाता है। उन्हें धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये पार्किंग ठेकेदार लगातार लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं और प्रशासन का इस ओर कतई ध्यान नहीं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।